हेलो एवरीवन, हेलो हाउ आर यू? माया, आई मैं एम व्हाट अबाउट यू? बोलती हूँ। आई एम आल्सो फाइन बेटा। टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस मींस गति और दूरियों का मापन। ओके, गति और दूरियों का मापन। यस मैम। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। डियर आशा, डियर डिस्कशन अमोंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूझो क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। डियर आशा, डियर डिस्कशन, यहाँ पे देखिए बूझो एंड जो पहेली है उसके क्लास में कुछ डिस्कशन हो रहा था, सामान्य बातें की जा रही थी, इसके बारे में बातें हो रही थी। तो यहाँ पे घूमने गए थे, जहाँ पे ट्रेवल किया था इसके पहले चैप्टर में, तो जहाँ पे वो लोग घूमने गए थे उसी टॉपिक पे क्लास में सभी बच्चों से बात बात हो रही थी कि कौन कहाँ पर घूमने गया था। ओके, यस मैम। समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय अ ट्रेन। उसमें से जो स्टूडेंट थे क्लास में, उसमें से कई सारे स्टूडेंट्स जो कहाँ पर गए थे, अपने पैतृक घर पर गए थे, गांव में गए थे बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। ओके, कई बच्चे ऐसे थे जो ट्रेन के द्वारा अपने पैतृक गांव में गए थे, पिता के घर गए थे गांव में। यस आप बस से बात की है, बस से गए, ट्रेन से गए। मैम, आपकी आवाज दबा रही अब उनका माइक ऑन होगा, इसलिए पहले वो ट्रेन से गए, उसके बाद से उन्होंने बस किया, फिर बस से गए जो बच्चे थे, जो अपने पैतृक होम पे गए थे, पिता के पुराने वाले घर पे गए थे। एंड फाइनली आ बुलक कार्ट, फिर उन्होंने अंत में किसका यूज किया था? बुलक कार्ट का यूज, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का। पहले वो लोग ट्रेन से गए, ट्रेन के बाद से बस लिया, फिर बस के बाद से बैलगाड़ी ली, उसके बाद से अपने पिता के गांव गए। कौन? जो स्टूडेंट्स थे क्लास में, बूझो पहले नहीं, कोई दूसरे स्टूडेंट्स थे, गए थे। देन वन, अच्छा बताइए बूझो है पहली कहाँ गए थे ट्रेवल करने? तो पता होगा सभी को, बाकी बच्चों को नहीं पता, लेकिन बूझो है पहली का तो पता है सभी को। चलिए यस बताइए, मैम। बूझो पहले कहाँ घूमने गए थे? मैम माउंटेन्स पर गए थे। मैम हाँ, माउंटेन्स घूमा उन्होंने, और सी सी देखा, डेजर्ट देखा, ग्रासलैंड देखा। ओके, चलो आगे देखते हैं और बच्चे यस। कहाँ कहाँ गए हैं। वन स्टूडेंट्स हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन। उसमें से जो बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा जो है किससे यात्रा किया? एरोप्लेन से यात्रा की, हवाई जहाज में बैठ के यात्रा की, ये भी एरोप्लेन। घूमने गया था होगा वो, तो एरोप्लेन से गया था। ओके, अनदर स्पेंट मेनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट। अनदर स्पेंट, और एक कोई दूसरा स्टूडेंट था, वो कहाँ पर गया था? अपने हॉलीडे व्यतीत करने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए अपने अंकल के बोट पर फिश को पकड़ने गया, मछली को पकड़ने की यात्रा की। ओके, अपने अंकल की बोट पर बैठकर मछली पकड़ने यस की मैम। यात्रा की। सभी को आया था समझ में? यस मैम। चलो आगे हम लोग देखते हैं। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंटेन अबाउट स्मॉल व्हीलेड व्हीकल्स दैट मूव ऑन द सॉयल ऑफ मार्स एंड कनेक्टेड एक्सपेरिमेंट। The teacher then, उसके बाद से टीचर ने पूछा, उन लोगों से पूछा, क्या किसी ने उनसे कहा पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, दैट मेंटेन अबाउट स्मॉल व्हीलेड व्हीकल्स, जो कि उसमें आपको मिलेगा छोटे जो व्हीकल्स होते हैं सवारी, उसमें छोटी पहिए लगे होते हैं छोटे छोटे, ऐसे व्हीकल्स के बारे में पढ़ने को बोला, जो कि कहाँ पर मूव किया था? दैट मूव ऑन द सॉयल ऑफ मार्स, जो कि मंगल के भूमि पर चलाया गया था, मूव कराया गया था, ऐसे व्हीकल्स के बारे में पढ़ने के लिए टीचर ने उनसे कहा। आप लोगों को भी इसके बारे में ढूंढ सर्च करना है, ओके, कि ऐसा कौन सा व्हीकल्स था जो कि मार्स पर चलाया गया था, मंगल ग्रह पर, कि जो मिट्टी है वहां पर। ओके, तो सबको आपको इसका आंसर सर्च करना है। ओके, यस मैम। वहां पे उसको मूव कराया गया था, वहां से उसका प्रयोग भी किया गया था, मास्टर उसका प्रयोग भी किया गया था उस व्हीकल का, तो उसके बारे में आप सर्च करना, बताना, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है? दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेस
ड्रॉप ऑल द वे टू मास। ये व्हीकल जो गाड़ी गाड़ी थी गाड़ियां थी कहां कैसे वहां पे ले गई थी मास पर मंगल पर किसके द्वारा बाय स्पेसक्राफ्ट। वाइल स्पेसक्राफ्ट में क्या होता है आपको बताएगा स्पेसक्राफ्ट ही पता है अंतरिक्ष यान होता है स्पेसक्राफ्ट मींस अंतरिक्ष यान। तो ये अंतरिक्ष यान सहायता से मास पर भेजे गए थे या जो व्हीकल्स थे। ओके यस मैम। देन मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एनिशिएंट इंडिया एंड वंडर्ड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम। Meanwhile, पहली इसी बीच पहली ने क्या रीड किया स्टोरी पढ़ी एक कहानी पढ़ी किसके बारे में पुराने भारत के बारे में एनिशिएंट इंडिया एंड वंडर टू नो और आश्चर्य थी जानने के लिए उत्साहित थी क्या जानने के लिए नो हाउ पीपल ट्रेवल कि व्यक्ति कैसे यात्रा करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग यात्रा कैसे करते थे इन अर्लियर टाइम पुराने समय में। ओके वह जानने के लिए परेशान थी उत्तेजित थी कि पहले जमाने में लोग यात्रा कैसे करते थे किसके द्वारा यात्रा करते थे। सिद्धार्थी वीडियो ऑन करिए सिद्धार्थी ऑन द वीडियो मैम ऑन है अब ऑन किया आपने हमें बोला फिर ऑन किया चलो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट परिवहन की कहानी। ओके यात्रा किसकी चीज से लोग करते थे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट परिवहन की कहानी। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले समय में लोगों के पास कोई साधन नहीं था यात्रा करने का कोई साधन नहीं था। दे यूज्ड टू मूव वन ओनली ऑन फूट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक वे केवल पैर की सहायता से मूव करते थे यात्रा करते थे और सामान को अपनी पीठ पर लेके जाते थे। ओके पहले समय में लोग यात्रा करते पैदल यात्रा करते थे और यात्रा करते समय सामान जो था अपनी पीठ पर लेके जाते थे। आज सभी को समझ में यस मैम यस मैम यस मैम। दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फूट एंड कैरी गुड्स On their bike, goods ने सुना वस्तुएं, okay? Later one, they began to use animals for transportation. कुछ समय व्यतीत होता गया लोग क्या यूज करने लगे एनिमल्स का यूज करने लगे यात्रा करने के लिए एनिमल्स का यूज करने लगे जानवरों का यूज करते थे फॉर बैलगाड़ी बैलगाड़ी का ऊंट का यूज करते थे घोड़े का। ओके फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर अगर जल की यात्रा करनी होती थी जहां पे जल होता था पानी होता था नदियों में रूट्स बोट वर यूज एनिशियंट टाइम तो वहां पे रूट का यूज करते थे। ओके यस मैम। तो बिगिन विथ पहले रूट कैसे पहले वहां पे जो उनका बोट कैसे बनता था बोट का यूज जो करते थे बोट कैसे बनता था उनका लकड़ी का एक सिंपल लकड़ी का होता था लकड़ी का आप बोल सकते हो टुकड़ा होता था जो कि खोखला होता था ऑफ वुड इन विच अ हाउल कैविटी कुड बी मेड जो कि खोखला बनाया जाता था बहुत ही हल्का होता था उसी से उसी बैठ कर यात्रा करते थे उसी के अंदर बैठकर ऐसे में इसको समझ में उस लकड़ी में yes, बनाते थे खोखला करते थे उसको उसी के अंदर बैठ कर यात्रा करते थे अपना बोर्ड बनाते थे उसी का। पीपल लर्न्ड यहाँ पर देखिए पीपल लर्न्ड टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट समय बीती होता गया लोगों ने जो वहां लकड़ी यूज करते थे नाव के लिए उसमें लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को उन्होंने जोड़ा और किसका शेप दिया बोट का शेप दिया नाव बनाया उसका। ओके लोगों ने लकड़ी के सभी टुकड़ों को एक में जोड़कर नाव बनाया। दीज शेप्स ऑटोमोबाइल्स नहीं दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर इसका शेप जो था
ये किस तरह का सेब था इनका, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हीं की जैसे इनका सेब बनाया गया, ओके, मछली के आकार का। रिकॉल अवर डिस्कशन, अपने विचार को याद करो जो आपने पढ़ा पहले, ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन सेब ऑफ फिश फिश इन चैप्टर्स 8 और 9। आपने चैप्टर 8 और 9 में रीड किया, फिश के पास कैसा बॉडी होता है, स्ट्रीम लाइंड होता है, धारा रेखीय त्वचा शरीर उसी होती है जिससे कि वह आसानी से पानी में तैर सकती है। सेम इसी तरह से वो लोग नाव बनाते थे, ओके? यस मैम, यस मैम। चलो आगे हम लोग देखते हैं। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंजेस इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इससे देखिए यातायात के साधन में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन के साधन में बहुत सुधार हुआ। द डिजाइन ऑफ द व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर 1000 ईयर। जो ये डिजाइन बनाया गया व्हील का जो इस्तेमाल करते थे लोग, पहिए का आविष्कार हुआ, ये लगभग कितने 1000 ईयर पहले चलता था ये। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स। इसमें इस व्हील को खींचने के लिए किसका यूज किया गया था, एनिमल्स का यूज, जानवरों का यूज किया गया था इस व्हील को खींचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो, बताइए बेटा। मैम बैल, बैलगाड़ी, और मैम साइकिल, कांगन इसको बोलते हैं, उसको लगाते हैं, तो एनिमल्स यूज करते थे ना। साइकिल तो हम लोग खुद से चलाते हैं, जो हॉर्स में लगता है ना, लगाते हैं हॉर्स, हॉर्स भी खींचता yes, है, गाड़ी खुदती है, रिक्शा बोलते हो इससे कितना होता yes, है, कार्ट, हाउस कार्ट बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी। मैम ई ट्विंड होता है, यस, ये यहाँ पे उसका है ये, जो आगे देखते हैं हम लोग। तो इनका व्हील से जो है, व्हील को एनिमल्स खींचते थे। अंटिल द बिगनिंग ऑफ द 19th century के प्रारंभ तक पीपुल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल्स। लोग जो है एनिमल्स पर ही डिपेंड रहते थे। 19th century जो थी, शताब्दी तक लोग एनिमल्स पर डिपेंड रहते थे। अभी तक कोई गाड़ी नहीं थी। बोट्स एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बोट था, जहाज था, एक स्थान से जाने के लिए। बेटा आवाज नहीं जा रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। महक आवाज जा रही है? यस मैम, मैम आ रही है। चलो आगे देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। फिर किसका आविष्कार किया गया? इन्वेंशन भी होता आविष्कार करना, फिर आविष्कार किसका हुआ? स्टीम इंजन का, भाप के द्वारा चलने वाला। आवाज नहीं आ रही है मैम, भाप का इंजन। बेटा आपका नेटवर्क नहीं होगा। मैम आवाज नहीं आ रही है। बेटा किसी को आवाज नहीं जा रही है? मैम आ रही है। मैम आ रही है। चलो हम लोग देखते हैं उन जबकी आ रही है, इनको आवाज आएगी। तो देखिए, जब उसका निर्माण हुआ, भाप के द्वारा चलने वाला इंजन का आविष्कार किया गया। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इससे ट्रांसपोर्ट का एक नया माध्यम का विकास हुआ, ओके, ट्रांसपोर्ट यातायात के एक नया साधन के रूप में विकास हुआ, जब इसका इसका खोज किया गया स्टीम इंजन का। रेल रोड वर मेड फ्रॉम स्टीम इंजन। जो रेल रोड से वो बनाए जाते थे स्टीम इंजन से, ओके, भाप के द्वारा चलने वाले इंजन से। ड्राइवन मैम स्ट्रीम इंजन आग से चलता है ना? हाँ, भाप से चलता है। यहाँ पे ड्राइवन कैरिजेस एंड वैगन्स, जो कि वस्तुओं को ढोते थे और यात्रियों को। लेटर केम यहाँ पे है ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर का। अब तो देखिए उसके वास्ते और सब आविष्कार हुए, ऑटोमोबाइल का, मोटर कार का, ट्रक्स का एंड बसेस, इन सभी का आविष्कार हो गया। टाइम बीतता गया, इन सभी का आविष्कार हो गया। अब इस समय कई सारे व्हीकल्स जो हैं यातायात के रूप में यूज किए जाते हैं, क्यों बेटा? मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप वर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। वाटर में ट्रांसपोर्ट के रूप में किस चीज का यूज किया जाता है?
मोटराइज्ड बोट्स एंड सीप, जो कि मोटर्स चलते हैं, जो नाव होते हैं, और एक सीप जहाज जो कि वाटर में ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किए जाते हैं यातायात के साधन के रूप में। चलो आगे हम देखते हैं। The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. उसके बाद से 1900 में 19वीं शताब्दी में किसका विकास हुआ? एरोप्लेन का भी विकास हो गया। ओके यस मैम। These were later improved to carry passenger and goods. उसके बाद से इसमें और भी सुधार हुआ, इसमें सुधार करके इसे पैसेंजर में यात्री गुड्स में वस्तुओं को ढोने योग्य बनाया गया। ओके इसमें सुधार हुआ और इसको यात्रियों को और वस्तुओं को ढोने योग्य बनाया गया। इस जो यहाँ पे एयरप्लेन थी, एरोप्लेन तो थे हवाई जहाज इनको। देन इलेक्ट्रिक ट्रेन, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन का निर्माण हुआ, मोनोरेल का, सुपरसोनिक एरोप्लेन का एंड स्पेस क्राफ्ट, इन सभी का आविष्कार हो गया। ओके आज सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी, ये देखिए 20th सेंचुरी के कुछ योगदान हैं। आप सभी को समझ में? यस मैम। 20वीं शताब्दी के योगदान है, इससे 20वीं शताब्दी में बनाया गया, निर्माण किया गया इन सभी चीजों का। देन फिगर 10.1 सो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिगर 10.1 जो है दिखा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के कुछ माध्यम, मोड्स में होता है माध्यम या साधन। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है, रखना है। फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स, जो पहले वाले जो साधन थे पहले के, और ट्रांसपोर्ट यात्रा के जो पहले के साधन थे, टू द मोस्ट रिसेंट, और जो अब न्यू है, नए हैं, उन सभी को क्रम से आपको करना है, पहले कैसे थे अब कैसे हैं। आर दे एनी ऑफ द अर्लियर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे, इसमें से क्या ऐसा भी कोई साधन है जो पुराना, जो पुराने ट्रांसपोर्ट के साधन थे, इसमें से कोई ऐसा भी साधन है जो अभी भी यूज किया जाता है, अब नहीं यूज किया जाता है, सॉरी उसमें से ऐसा कोई साधन है जो कि अब नहीं यूज किया जाता है। चलिए देखिए फिगर कहाँ पे ओपन करें। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी भी यूज होता है बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैम मेरे गांव में एक लोग के पास है। अभी भी यूज करते हैं अक्सर। ओके बाकी यूज ही मैम तब पता नहीं। यस अब वो ये सब लोग पैदल नहीं जाते हैं, इसे कुछ ट्रांसपोर्ट लेके ही जाते हैं, साधन लेके ही, साधन से यात्रा करते ही हैं। चलो आगे देखते हैं। 4 लोग ज्वाइन किए, बाकी लोग लीव कर चुके हैं सेशन में। How wide the is deck? Each this deck. How wide? कितना विस्तृत है, कितना चौड़ा है, या डेक्स जो है मेज कितना चौड़ा है, यहाँ पे मेज दिखाया जा रहा है, यहाँ पे है कि मेज कितना चौड़ा है, इसकी लंबाई आपको देखनी है कितना चौड़ा है। How did people know? How far they have traveled? How did people know? व्यक्ति कैसे जान पाते थे कि उन्हें कितनी दूर यात्रा करनी है, उन्होंने कितना दूर यात्रा किया। ओके व्यक्ति कैसे पता लगाते थे, बोले बेटा कैसे नापते थे कि हमें यात्रा कितना दूर हमने किया? कदम से। कदम से काउंट करते थे, कदम से काउंट करते थे ना लोग, यह कैसे पता लगाते थे कि कितनी दूरी चले हैं। ओके हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक all the way to your school, or whether you will need to take a bus or a रिक्शा, यहाँ पे रिक्शा आपको लेना है, रिक्शा आप तो यहाँ पे to reach your school। आप देखिए यहाँ पे how will you know, आप कैसे जान पाते हो, आप कैसे पता लगाओगे कि आपको स्कूल कैसे जाना है, पैदल जाओगे या आप बस से जाओगे, या आपको कोई और व्हीकल की आवश्यकता होगी, रिक्शा से जाओगे, किससे आप जाओगे, आप इसका पता कैसे लगाते हो बेटा? बोलिए मैम। डिस्टेंस मीटर से जान पाते हो ना, डिस्टेंस जानते हो कितनी है, अगर नजदीक हो तो पैदल पहुंच सकते हो, अगर दूर है तो आपको बस लेना पड़ेगा, रिक्शा लेना पड़ेगा, या बाइसिकल से जाना पड़ेगा, या तो रास्ता।
When you need to purchase something, यदि आपको कुछ चीज खरीदना है, खरीदने की आवश्यकता है, it is possible for you, क्या आपके लिए संभव होगा, to walk on the market, कि market में पैदल टहलते हुए जाके सामान ले आओ, भाई क्या आपके लिए आसान है बेटा? No ma'am. नहीं आसान. Yes ma'am. आपका market? किसी होता है, किसी किसी का नजदीक नहीं होता है, किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है पैदल जाने में, तो उसको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मोटरसाइकिल, बाइक का यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो रास्ता दूर है. लेकिन इस बाजार में मैम हम लोग पैदल जा सकते हैं. तो कोई सारे बाजार ऐसे होते हैं, बगल में रहते हैं तो आप पैदल जा सकते हो, उतना आप चल सकते हो. हाउ विल यू नो The answers to these questions. इस answer के इस question के answer जानने के लिए आप क्या करोगे? बताइए अब क्या करोगे? इसका answer आपको जानना है कि हम कैसे जाएंगे, बहुत दूर है. मैम साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बाइक से, कार से. अरे पर पता तो लगाओगे रास्ता कितना दूर है, उसकी लंबाई कितनी है, कितना किलोमीटर है. मीटर मैम जीपीएस से आपको पता लगाना पड़ेगा कितना किलोमीटर दूर है, कि हम नहीं जा सकते पैदल. yes, कोई व्हीकल लेना पड़ेगा, इसको हम नापते हैं. yes, ठीक है. मैं इंद्राजी हूं. ओके. इफ इट ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज, या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जानना कि प्लेस कितना दूर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच द प्लेसेस. Please walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane or even spacecraft. तो कहीं भी हमें जाना होता है, इसके लिए हमें यह पता लगाना आवश्यक होता है कि इसकी दूरी कितनी है. इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम पैदल जा सकते हैं कि हमें बस का यूज करना पड़ेगा, ट्रेन का यूज करना पड़ेगा, या सीप से जाना पड़ेगा, या एरोप्लेन से जाना पड़ेगा, या स्पेस क्राफ्ट का यूज करना पड़ेगा. इसके लिए हमें इसकी दूरी पता होना चाहिए कि दूरी कितनी है, उस स्थान की दूरी कितनी है, कितना किलोमीटर है वो. Sometimes there are objects whose length or width we need to know. कभी कभी ऐसा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग्स है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई कितनी है, यह भी जानना आवश्यक होता है किस चीज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है. क्यों जानना जरूरी होता है ना? yes, कोई भी थिंग्स है तो उसकी लंबाई को पता लगाना बहुत ही जरूरी होता है. इन पहेली एंड बूझोस क्लासरूम, पहेली एंड बूझो के क्लासरूम में देखिए क्या होता है, या बूझो और पहेली का क्लासरूम है. देयर आर लार्ज डेस्क्स व्हिच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट्स. यहाँ पे लंबे लंबे डेस्क हैं. ओके, लंबाई बहुत ही ज्यादा इस डेस्क की जो मेज है उसपे सभी क्लास में जो डेस्क है, एक डेस्क पे दो स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, डेस्क को दो स्टूडेंट शेयर करते हैं, दो लोग बैठते हैं एक साथ. ओके, जैसे आप लोग बैठते हो सीट पर, थ्री लोग बैठते हो, वैसे ही उनका जो सीट था वहां पे जो डेस्क रखा हुआ था उस पे दो लोग बैठते थे केवल. पहेली एंड बूझो शेयर्ड वन डेस्क, पहेली एंड बूझो एक ही डेस्क शेयर करते थे क्योंकि दोनों ब्रदर एंड सिस्टर थे, या कजिन भी रहे होंगे. मैम भाई बहन थे, भाई बहन थे, कजिन कुछ भी रहे होंगे. दोनों एक साथ बैठते थे बूझो एंड पहेली, उनको एक ही डेस्क मिला था, उसी पे दोनों लोग बैठते थे, दोनों उसी का यूज करते थे. पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट अदर इज यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क. लेकिन कभी कभी देखो उसमें जो ऑब्जेक्ट था उसमें से एक जो है उसका ज्यादा भाग को शेयर करता था. ओके, उस डेस्क का जो है एक किसी को ज्यादा भाग शेयर करने को मिलता था. ठीक है, अब दोनों में झगड़ा भी होने लगा इसके लिए कि तुम ज्यादा शेयर करते हो, मेरा कम जगह रहता है. ओके, जैसे आप लोग करते हो क्लासरूम में झगड़ा करते हो ना कि तुम ज्यादा सीट लेके बैठते हो, हमें बैग रखने के लिए जगह नहीं है. क्यों सिद्धार्थ? no, कई बार आप क्लास में ऐसा करते थे, बैठने की जगह करते थे ना कि मैं ही बैठना है, तुम ज्यादा सीट ले रहे हो, मुझे इतना कम स्पेस मिला बैठने के लिए, हटो यहाँ से. करते हुआ सब लोग ऐसा ना? yes, सभी लोग करते हैं ऐसा. करते थे पहले, हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग भी ऐसे करते थे, झगड़ा बहुत करते थे हम लोग बैठने के लिए. जब आप लोगों की तरह छोटे थे तो करते थे क्लासरूम में बैठने के लिए कि जगह कम है, तुम्हारी जगह ज्यादा, हमारी जगह कम है, ऐसे हम लोग भी करते थे.
तो पहले हम बूझो भी ऐसा ही कर रहे हैं, किसी को ज्यादा जगह मिला बैठने के लिए, उसके लिए दोनों में फाइटिंग होता है। अब देखती है क्या करते हैं उनके टीचर ऑन द टीचर्स सजेशन। टीचर ने सलाह दिया, किस चीज का सलाह दिया उनको, सलाह दिया कि डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। उन्होंने निर्णय लिया कि इस डेस्क की लंबाई को मापते हैं कि डेस्क कितना लंबा है। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल, ने कहा कि बीच में बिल्कुल यहाँ पे चिन्ह बनाया जाए, मार्क बनाया जाए बीच, बिल्कुल जो डेस्क है उसके बीचों बीच में। और इट्स एंड ड्रॉ अ लाइन टू स्प्रेड द टू हाफ टू द डेस्क, अब बीच में एक लाइन बना के दोनों को हाफ किया जाए, डेस्क का जो हाफ पार्ट बुझो को हाफ पार्ट पहेली को बैठने को मिला। ओके अब देखो यस मैम, बोथ पहेली एंड बुझो आर वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विथ देयर फ्रेंड्स। अब समस्या थी कि लाइन किस तरह से बनाया जाए, तो यहाँ पे देखिए पहेली एंड बुझो को गिल्ली डंडा खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। आप लोग भी खेलते हो गिल्ली डंडा क्यों बेटा? नो मैम, बॉयज बहुत खेलते हैं गिल्ली डंडा, तो पहले एंड बूझो थे उन लोगों को गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद था, जैसे आप लोग खेलते हो घर पे। ओके तो बूझो एंड पहली को गिल्ली डंडा खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, अब उसी से ना वो लोग माप करेंगे अपने डेस्क की। बूझो ब्रॉट एस्पेक्ट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम, बुझो जो था अपने पास हमेशा एक सेट रखता था, एक जोड़ा रखता था गिल्ली एंड डंडा। ओके अपने बैग में हमेशा वो रखता था। अब उसे माप लेंगे अपने डेस्क की सभी लोग। Here is how they used to measure the length of the desk using the danda and the गिल्ली। यहाँ पे तरीका है कि वो लोग कैसे यूज, कैसे इसका माप लेंगे गिल्ली एंड डंडे से, इसकी लंबाई का माप उन्हें कैसे पता चलेगा कितना लंबा है। फिगर 10.2 यहाँ पे दिखाया गया है, इसको माप रहे हैं। ओके देखिए कैसे मापते हैं। The deck seemed to be having a length equal to two danda lengths and two lengths of the gilli। जो deck है वह show कर रहा, दिखा रहा उसका जो length है, उसकी लंबाई जो है किसके बराबर है, जो डंडा है उसका, उसके दो भाग के बराबर है। Okay? Yes, ma'am। अगर आप उसको दो भाग में उसकी माप लोगे तो उसके दो भाग के बराबर है उसकी लंबाई, जो deck है उसकी लंबाई जो है डंडा के दो भाग के बराबर है। एंड टू लेंथ्स ऑफ द गिल्ली, और टू लेंथ जो है गिल्ली के बराबर है। तो डंडा एंड टू गिल्ली नाप हो गया अच्छे से। ओके क्यों बेटा? यस मैम। कितना कितना भाग बैठने के लिए यूज करेंगे, कितना भाग यूज करेंगे सिद्धात्री? गिल्ली डंडा एक दोनों तरफ लगा देंगे, एक साइड डंडा का माप है उसमें बूझो बैठेगा, एक साइड में जो गिल्ली डंडा का माप है उसमें पहेली बैठेगी। देखिए बीच में यहाँ पे लाइन बनाया गया, इस साइड में पहेली को बैठना है, इस साइड में बूझो को बैठना है। ओके यहाँ पे देखिए चौक से निशान भी बनाया, नापने के बाद चौक से निशान बना दिया गया ताकि लोगों को दोबारा से फाइटिंग ना हो बैठने के लिए। अभी देखते हैं फिर से फाइटिंग होगी, ठीक है? क्यों होगी? यस मैम। फाइटिंग फिर से क्यों होगी? महक हम इधर उधर मैम बैठ जाएंगे, मैम बैग इधर कर देंगे, उसके लिए फाइटिंग नहीं होगी। चाक से निशान बना हुआ है, बाद में मिट जाएगा कुछ दिन बाद, बैग रखेंगे उसी के ऊपर तो मिट जाएगा ना वो, कि वैसे ही रहेगा वो मिट जाएगा। उस निशान जो है चाक से बनाया गया है तो इसे चाक का निशान जो है मिट सकता है। देखते हैं फिर से फाइटिंग करेंगे लोग, अभी तो कुछ दिन के लिए सही है। Drawing a line in the middle of the desk. Desk के middle में बीच में line बनाया गया। Leave each of them happy with a half of the desk. उसके बाद से दोनों लोग खुशी से आधा भाग जो यूज करने लगे, desk का आधा भाग जो यूज करने लगे दोनों लोग। Equal to a danda and a gilli in length. उसकी लंबाई कितनी थी? One gilli and one danda के बराबर थी। After a few days, कुछ समय बाद the mark line gets wrapped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his old one. अब देखते हैं कुछ समय बाद जो वहां पे चौक का निशान था मिट गया,
अब उसके नाप कैसे लेंगे? पुराना तो गायब हो गया, पुराना गिल्ली डंडा था गायब हो चुका है, नए वाले गिल्ली डंडा से। अब दूसरा जो गिल्ली डंडा लेके आया बूझो उससे माप लेगा। अब देखिए उससे प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, बड़ा यस मैम, बड़ा छोटा हो सकता है ना, ये पुराना तो गायब हो गया, सेम उसे साइकिल मिलेगा नहीं, तो गायब हो गया तो वो नो मैम, उन्होंने उसकी माप डेस्क की माप ली थी पुराने वाले से, पुराना गायब हो गया है। अब उसके लिए बूझो ने क्या लेके आया, नया गिल्ली डंडा लेके आया नापने के लिए। अब देखिए फिर से प्रॉब्लम होगी इसके लिए। बुझो नाउ हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, पुराना खो गया था इसलिए नया लेके आया। हियर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेक सीम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाया जा रहा है कि नए वाले जो गिल्ली डंडा है उससे इसकी नाप कैसे ली गई टेबल की, ये सेकंड वाला देखिए ये है छोटा पड़ जा रहा ना। हेलो नाउ व्हेन मेजर्ड विथ द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, चलो देखते हैं अब आपको यहाँ पे इसकी नाप लेनी है नए सेट से, जो गिल्ली डंडा का नया सेट है उसका नाप लेना है। द डेक्स लेंथ सीम टू बी अबाउट टू डंडा, जो डेक्स का जो लेंथ है लंबाई है वह दो डंडे के बराबर है। ओके जो उसका डेक्स है उसकी लंबाई डंडे के दो डंडे के बराबर है एंड वन गिल्ली और एक गिल्ली के बराबर है। अब तो छोटा हुआ ना बेटा, yes, ma'am. जो उसकी लंबाई है दो डंडे के बराबर सही है, लेकिन जो थोड़ा बच रहा है उसकी लंबाई वन गिल्ली के बराबर है, जो थोड़ा जगह बच रहा है। वन गिल्ली लेंथ विल अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट, बहुत ही उससे भी छोटा बचा हुआ है, जो बचा स्थान स्पेस है वो जो गिल्ली है उससे भी छोटा है उसकी लंबाई, डेक्स की जो बची हुई लंबाई है वो गिल्ली की लंबाई से भी छोटी है। बेटा अरुण आवाज जा रही है, मैम पापा बाहर जा रहे हैं। ओके बेटा चलिए इतना आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है। ओके बेटा तो यहाँ तक जितना भी आपको पढ़ाया गया आगे समझ में मैम, Yes, ma'am. हाँ तो आप आगे रीड करना जो भी बचा हुआ बाद में रीड करवाते हैं फिर आगे के टॉपिक। ओके गुड बाय बेटा, मैम गुड बाय, गुड बाय बेटा, गुड बाय।